हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल माय इंडियन रेलवे जर्नीज में। आज मैं आपके लिए ट्रेन जानकारी लाया हूँ ट्रेन नंबर 11804 बांद्रा टर्मिनस झांसी वीकली एक्सप्रेस। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल माय इंडियन रेलवे जर्नीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की अपडेट जर्नी लाता रहता हूँ। आज हमारी जर्नी मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से उत्तर प्रदेश के झांसी शहर तक होने जा रही है। इस बांद्रा टर्मिनस झांसी वीकली एक्सप्रेस ट्रेन से मैं आपको इस ट्रेन की पूरी जानकारी दूंगा, जैसे ट्रेन का टाइम टेबल, रूट, डिस्टेंस, फेयर, स्टॉप्स आदि बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल माय इंडियन रेलवे जर्नीज पर। फ्रेंड्स, यह ट्रेन सप्ताह में मात्र एक दिन चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन है, जो मंगलवार को अपना सफर शुरू करने के बाद वडोदरा जंक्शन, उज्जैन जंक्शन व ग्वालियर जंक्शन के रास्ते बुधवार को झांसी जंक्शन पहुंचती है। इस ट्रेन के कुल 20 हॉल्ट्स हैं। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन 1318 किलोमीटर के डिस्टेंस को लगभग 25 घंटे 35 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन को बांद्रा टर्मिनस से उज्जैन जंक्शन तक एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है, जो BRC WAV 4E या BRC WAV 5 हो सकता है। वह उज्जैन जंक्शन से झांसी जंक्शन तक एक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है, जो JHS WDM 3A या KTE WDM 3A में से कोई एक हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस ट्रेन में लगने वाले कोचेस की, तो वह ICS श्रेणी के कुल 22 कोचेस हैं, जिनमें से 2 जनरल गार्ड ब्रेक लगेज कोच, 6 जनरल अनरिजर्व सेकेंड क्लास कोच, 9 स्लीपर क्लास कोच, 4 AC थर्ड टायर कोच और 1 AC सेकेंड टायर कोच है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस ट्रेन में यात्रा करने के दौरान बांद्रा टर्मिनस से झांसी तक के लगने वाले किराए की, तो जनरल क्लास का ₹335, स्लीपर क्लास का ₹570, AC थर्ड टायर का ₹1530 और AC सेकेंड टायर का ₹2210 है। इस किराए में GST और फूड मिल कॉस्ट ऐड नहीं किया गया है। मैंने आपको यह किराया मात्र बांद्रा टर्मिनस से झांसी जंक्शन तक का बताया है और भारतीय रेलवे द्वारा इस किराए में कभी भी बदलाव किया जा सकता है। इसलिए लेटेस्ट व अन्य किराया जानने के लिए रेलवे के टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrail.gov.in पर जाकर जरूर चेक करें। हमें इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग व ई कैटरिंग की सुविधा मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इस ट्रेन के स्टॉपेज की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह ट्रेन सप्ताह के मंगलवार को बांद्रा टर्मिनस से सुबह के 5:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला स्टॉप बोरोवली है, जहां पर यह सुबह के 5:37 पर पहुंचती है व 5:40 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इस ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप वापी है, जहाँ पर यह सुबह के 7:27 पर पहुँचती है व 7:29 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं इस ट्रेन के तीसरा स्टॉप सूरत। यहाँ पर यह सुबह के 8:45 पर पहुँचती है व 8:50 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का चौथा स्टॉप है भरूच जंक्शन, जहाँ पर यह सुबह के 9:39 पर पहुँचती है व 9:41 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का पांचवा स्टॉप वडोदरा जंक्शन है, जहाँ पर यह 10:36 पर पहुँचती है व 10:46 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का छठा स्टॉप गोधरा जंक्शन है, जहाँ पर यह दोपहर के 11:58 पर पहुँचती है व 12 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का सातवां स्टॉप दाहोद है, जहां पर यह 12:58 पर पहुंचती है व 1 बजे रवाना हो जाती है। यहां पर भी इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के आठवां स्टॉप रतलाम जंक्शन, जहां पर हमने 642 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर ली है। ये यहां पर 2:50 पर पहुंचती है व यहां से 3 बजे रवाना हो जाती है। यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के नौवां स्टॉप नागदा जंक्शन, जहाँ पर यह ट्रेन दोपहर के 3:58 पर पहुँचती है व 4 बजे रवाना हो जाती है। यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं इस ट्रेन के 10वां स्टॉप उज्जैन जंक्शन, जहाँ पर यह शाम 5:05 पर पहुँचती है व 5:25 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पर इस ट्रेन का 20 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है।
इस ट्रेन का 11वां स्टॉप मार्क्सी जंक्शन है, जहां पर ये शाम 6:15 पर पहुंचती है व 6:17 पर रवाना हो जाती है। यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 12वां स्टॉप शाहजहाँपुर है, जहां पर ये 6:40 पर पहुंचती है व 6:42 पर रवाना हो जाती है। यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, इस ट्रेन का 13वां स्टॉप ब्यावरा राजगढ़ है, जहां पर ये रात 7:58 पर पहुंचती है व 8 बजे यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 14वां स्टॉप चचोड़ा बीनागंज है, जहां पर ये 8:29 पर पहुंचती है व 8:31 पर रवाना हो जाती है। यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 15वां स्टॉप रूटियाई जंक्शन है, जहां पर ये 9:36 पर पहुंचती है व 9:39 पर रवाना हो जाती है। यहां पर इस ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 16वां स्टॉप गुना जंक्शन है, जहां पर ये रात 10:20 पर पहुंचती है व 10:30 पर रवाना हो जाती है। यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, इस ट्रेन का 17वां स्टॉप शिवपुरी है, जहां पर ये रात 12:45 पर पहुंचती है व 12:50 पर रवाना हो जाती है। यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के 18वां स्टॉप ग्वालियर जंक्शन, जहां पर हमने 1220 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर ली है। ये ट्रेन यहां पर सुबह के 4:10 पर पहुंचती है व सुबह के 4:35 पर रवाना हो जाती है। यहां पर इस ट्रेन का 25 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, इस ट्रेन का यहां लोकोमोटिव रिवर्स होता है व अगले स्टेशन डाबरा की ओर इस ट्रेन को ले जाता है। इस ट्रेन का 19वां स्टॉप डाबरा है, जहां पर ये सुबह के 5:11 पर पहुंचती है व 5:13 पर रवाना हो जाती है। यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का सेकेंड लास्ट स्टॉप दादिया, जो कि 20वां है, यहां पर ये सुबह के 5:43 पर पहुंचती है व 5:45 पर रवाना हो जाती है। यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के लास्ट स्टॉप झांसी जंक्शन, जहां पर हमने 1318 किलोमीटर की यात्रा लगभग 25 घंटे 35 मिनट में कंप्लीट की है। ये ट्रेन यहां पर सुबह 6:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। वह हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको ये जर्नी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं मैं आपकी पसंद की कोई ट्रेन वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें।